दिल्ली NCR में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में कोल्ड डे रहने वाला है। पिछले दो हफ्तों से दिल्ली में ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए ठंड दिन रहने की संभावना जताई है। इस हफ्ते भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। IMD के अनुसार ठंडा दिन तब होता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। वहीं दिल्ली में पिछले 29 सालों में इस बार सबसे कम कोहरा पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1991-92 के बाद ये पहला मौका है जब दिसंबर और जनवरी के महीने में इतना कम कोहरा देखने को मिला हो। सामान्य तौर पर इन दो महीनों में दिल्ली में 52 दिन कोहरा देखने को मिलता है। इन 52 दिनों में 572 घंटे ऐसे होते हैं जब कोहरा रहता है, लेकिन इस बार दिसंबर और जनवरी को मिलाकर कुल 44 दिनों में 242 घंटों ही कोहरा देखने को मिला। इससे पहले साल 1991-92 में 44 दिनों के दौरान 255 घंटे कोहरा रहा था। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दृश्यता का स्तर 600 से लेकर 800 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। वही हवा में नमी का स्तर 74 से लेकर 100% तक रहा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा और कोल्ड डे भी रहने वाला है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा छाया रहेगा और दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां सुबह से कोहरा और धुंध छाई रहेगी और बाद में मौसम साफ हो जाएगा। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।